महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन 16 एवं 17 सितंबर को मानविकी संकाय में किया जाएगा। उक्त जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी ने बताया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के बहुमुखी प्रतिभा का विकास करने के उद्देश्य से इस छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 6 प्लेटफार्म पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 सितंबर को सुबह 10 बजे गांधी अध्ययन पीठ में होगा। पर हमने कुछ लिमिटेड माहौल रखे थे, जैसे हमने केवल दो ही माहौल रखे थे जहां तक मुझे याद आता है। एक हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा रखी थी, एक हमने लोकसभा रखी थी। तो दो माहौलों में ही बच्चों को ट्रेन किया गया था। इस बार हमने 6 माहौल रखे हैं। इसमें देखिए तीनों एस्पेक्ट हैं। जैसे हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि लोकल इश्यूज से लगा के इंटरनेशनल इश्यूज तक पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया है इस बार हम लोगों ने। ये कहाँ होगा? देखिए ये विद्यापीठ में ही हमारे कैंपस में होगा, और इसके लिए मानविकी ब्लॉक हमने चिन्हित किया है। मानविकी ब्लॉक में 6-7 अलग अलग कमरे इसके लिए हमने हायर किए हैं। वहीं पर सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, क्योंकि बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं, उनके बोर्डिंग और लॉजिंग का भी अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है। इसके साथ ही साथ क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चे ट्रेवल करके आएंगे, तो मेडिकल फैसिलिटी की भी हमने रखी है। मेडिकल टीम लगातार रहेगी। इसके साथ ही साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसके सपोर्ट में जो हमारा यूनिवर्सिटी के दूसरे पदाधिकारी हैं, अलग अलग डीन हैं या हमारे चीफ प्रॉक्टर हैं, वो भी इसमें एक साथ अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि किसी तरह की कोई ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा ना हो। पूरी मेडिकल टीम पूरे के पूरे आयोजन के दौरान रहेगी ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। चीफ डॉक्टर ने पूरे बच्चों को कहाँ पे अपने व्हीकल खड़े करने हैं, कैसे किस रूम में बैठना है, उनको कैसे वहाँ तक पहुँचाना है, ये सारी व्यवस्थाएँ पूरी तरह की गई। पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मंत्रीवर को बुलाया जाए, पर संभव मंत्री जी से बात नहीं हो पाई है। तो अभी हमारे ये चीफ काउंसल हैं, चीफ काउंसल अशोक तिवारी जी जो हमारे मेयर हैं, इन लोगों को बुलाया गया है, और कल सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। और हमें पूर्ण आशा है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार आयोजन अच्छा होने वाला है। आप सभी प्रेस के सभी बंधुओं से यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दें, ताकि एटलीस्ट पूर्वांचल के सभी स्कूलों के, कॉलेजों के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, ITIs के, साइंस आर्ट्स कॉलेज के सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर अपने प्रतिभाओं को ठीक से चमका सकें।